हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। जैसे कि काफी कैंडिडेट्स काफी समय से वेट कर रहे थे कि डीएसएसबी के अंदर जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है इतनी स्लो क्यों है, क्या ज्वाइनिंग अब हो सकती है, क्या ज्वाइनिंग में और समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, अभी जो डीएसएसबी ने ज्वाइनिंग का कुछ शेड्यूल जारी किया है उसमें कुछ पोस्ट हैं जिनकी ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक हो जाएगी। वो कौन सी पोस्ट है इसके रिगार्डिंग आप जो डीएसएसबी या डीओई है उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है साथियों के लिए। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं मेन मेन। तो पीजीटी की ये कुछ पोस्ट है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश इस टाइप की कुछ पोस्ट है, इनमें जो ज्वाइनिंग है वो 17 अगस्त तक हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है उन साथियों के लिए जो काफी समय से वेट कर रहे थे। अब इसके बाद काफी क्वेश्चन आते हैं कि जो और बची हुई पोस्ट है उनका क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, ये काम थोड़ा ऐसा नहीं एकदम हो जाएगा, काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है और ये जो काम है बहुत जल्द मतलब होने की संभावना है। मतलब अब इस ये हो गए, इसके बाद कुछ दिन बाद और जो पोस्ट है उनका हो जाएगा। अब वो काफी ऐसी पोस्ट है जो काफी समय पहले उनका एग्जाम हो गया था और मतलब रिजल्ट भी आ गया, सारी चीजें हो चुकी हैं लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। तो उनके लिए मैं काफी मतलब दुख व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण रह रहा है कि ये अभी प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है। लेकिन जो भी है, प्रक्रिया हो जाएगी, आपकी काम हो जाएगा, थोड़ा मतलब देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन काम आपका जरूर होगा। और जो कुछ डर आपके अंदर है खासतौर पे एमसीडी पीआरटी, तो अब कुछ ऐसा होना नहीं है, ज्वाइनिंग की राह बिल्कुल आपकी साफ है। और अब जो न्यू वैकेंसीज है उसके लिए जो साथी मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी कारण से, वो ज्वाइनिंग की तैयारी करें, मतलब सॉरी नेक्स्ट वैकेंसीज की तैयारी करें। तो बिल्कुल टेंशन ना ले आप लोग। और अब क्या है कि जो एमसीडी पीआरटी है उसकी ज्वाइनिंग में मुझे लग रहा है कि थोड़ा और समय लग सकता है। अब ये कारण पता नहीं चल रहा क्या कारण है, हालांकि मेडिकल प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है काफी कैंडिडेट्स का, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे काफी कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए जो जगह दी है वहां पे मशीन ही नहीं है प्रॉपर। तो इस वजह से काफी दुख होता है देख के कि दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। जिन सभी साथियों का अभी ज्वाइनिंग है तो उनको दिल से शुभकामनाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।